नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बेसमेंट के बारे में बताया था आप अपनी नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं और आपका प्लॉट वेस्ट फेसिंग है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए मैं हमेशा ही आपको अपनी हर एक वीडियो में वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताता हूँ आप नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखें मेरी इस वीडियो के कई पार्ट बनेंगे आप इन सभी पार्ट को देखकर अपने फैक्ट्री का सेटअप खुद कर सकते हैं आपका अपना मेन गेट है और ये आपका छोटा गेट है इसमें आपने अपने यहाँ पर गार्डन कहाँ बनाना है मेन गेट के ठीक साथ में ही आपका अपना गार्डन बनेगा गार्डन के साथ ही आपका अपना मीटर रूम और मीटर रूम के साथ ही आप यहाँ पर टॉयलेट्स बना सकते हैं ये आपका अपना गार्डन मीटर रूम ये आपका अपना टॉयलेट और कुछ रूम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर साउथ वेस्ट में आप स्टोर बनाएं और उसके बाद आप अपने रूम्स बना सकते हैं एक दो तीन जितना भी आपके पास स्पेस है उसके हिसाब से आप अपने रूम बना सकते हैं जैसे मैंने बेसमेंट के बारे में बताया था कि बेसमेंट के हिसाब से आपकी स्टेट्स और लिफ्ट जो बन रही है वो यहाँ पर इस जोन में बन रही है कहाँ पर नॉर्थ में यहाँ पर लेफ्ट है और ये आपकी अपनी स्टेट्स हो गए एक एंट्रेंस आपकी यहाँ से बन जाती है जो कि हॉल के अंदर जाती है और एक आप अपना जो शटर लगाएंगे वो शटर आप अपना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगाएंगे यहाँ पर आपका अपना शटर आएगा ये आपकी अपनी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर पर बनेगी इसमें आपने ऑफिस ब्लॉक जो बनाना है वो ऑफिस ब्लॉक आपका अपना यहाँ पर इस जोन में बनेगा साउथ वेस्ट जोन में ऑनर का ऑफिस रहेगा यहाँ पर आप अपने ऑनर की टॉयलेट बनाएं इसके साथ में आप अपना अकाउंट्स का सेक्शन रखें और यहाँ पर आपका अपना सेल्स वाले बंदे बैठ जाएंगे आपके यहाँ जो एंट्रेंस बनानी है फ्रंट से वो एंट्रेंस आपने यहाँ से बनानी है यहाँ पर बाहर आपके अपने स्टेप्स बन जाएंगे ऊपर आने के लिए ये आपका अपना रिसेप्शन का काउंटर बन जाएगा यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठ जाएगी और यहाँ पर आपका अपना विजिटर आकर बैठ जाएगा एक सोफ़ा जो लगाना है वो सोफ़ा आप अपना यहाँ पर लगा सकते हैं आपने अपने यहाँ से हॉल के अंदर जाने का जो रास्ता बनाना है वो रास्ता आप यहाँ से बनाना है ऑफिस की एंट्रेंस आपकी अपनी यहाँ से होगी जब आप अपना ये ग्राउंड फ्लोर बनाए तो इसमें ध्यान रखना है जो आपका अपना ये हॉल बनेगा इसमें जो आप वर्किंग करेंगे इसमें भी आपने फर्श की ढलान जो करनी है फ्लोर स्लोप जो करना है वो साउथ से नॉर्थ की ओर करना है और ऐसे ही जो आपका अपना ऑफिस ब्लॉक बनेगा ऑफिस ब्लॉक को हॉल के फ्लोर लेवल से लगभग दो इंच दो इंच या तीन इंच के करीब ऊंचा करना है यानी कि जो आपका अपना ऑफिस ब्लॉक है ये ऑफिस ब्लॉक आपका हॉल के लेवल से दो से तीन इंच ऊपर ज़रूर बनाना है ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपका अपना जो हॉल है इसके अंदर वर्किंग हमेशा अच्छी आएगी ऐसे ही जो आपका अपना बैक साइड है बैक साइड में ईस्ट में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर भी आप अपना एक शटर लगाएं और यहाँ पर आप अपनी विंडो लगाएं एक दो तीन जो भी विंडो लगानी है यहाँ पर आप अपने विंडो लगा सकते हैं अब ऐसे ही यहाँ पर आपकी लिफ्ट और स्टेस बन रही है तो इसमें आप फ्रंट से ही यहाँ से ये दो तीन स्टेप बन जाएंगे यहाँ से आप ऊपर आ जाएंगे ऊपर आकर लिफ्ट में जाना है तो लिफ्ट में और हॉल में जाना है तो हॉल में चले जाएंगे और यहाँ से क्लॉक आप स्टेज से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं और ऐसे ही बेसमेंट में जाना हो तो आप यहाँ से बेसमेंट में भी जा सकते हैं हमेशा आपने ध्यान रखना है जो आपका अपना नॉर्थ जोन है ये हमेशा आपकी खुली होनी चाहिए खाली होनी चाहिए ऐसे ही ईस्ट पूर्व दिशा भी हमेशा खुली और खाली होनी चाहिए आपने अपने यहाँ पर समर्सिबल लगाना है तो समर्सिबल आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में यहाँ आपका अपना समर्सिबल या बोरवेल लगा सकते हैं एक बात का जरूर ध्यान रखना है जो आपका अपना ओपन एरिया है ओपन एरिया में भी फर्श की ढलान सही होनी चाहिए यदि ओपन एरिया की फर्श की ढलान सही नहीं होती तो भी मेरा अपना मानना है कि आपकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल सकती इसमें आपने करना क्या है जो साउथ ईस्ट ईस्ट का ओपन एरिया है इसमें साउथ ईस्ट इस से नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान करनी है ऐसे ही साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर फर्श की ढलान फ्लोर का स्लॉप करना है उसके बाद जो आपका नॉर्थ का एरिया है उसमें भी नॉर्थ की ओर फर्श की ढलान होनी चाहिए और सारा पानी आपका नॉर्थ ईस्ट से पाइप के थ्रू नॉर्थ होते हुए वे नॉर्थ वेस्ट से बाहर निकलना चाहिए यानी जितना बरसात का पानी है वो सारा पानी साउथ से नॉर्थ की ओर आएगा फिर नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ होते हुए वे नॉर्थ वेस्ट तक पाइप के थ्रू सारा पानी बाहर निकलेगा इन बातों का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है यदि आप इस प्रकार से अपनी बिल्डिंग का सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपकी फैक्ट्री में कभी भी नुकसान नहीं हो सकता आपकी फैक्ट्री घाटे में नहीं जा सकती प्रॉफिट कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा मेरे को नहीं मालूम लेकिन आपकी फैक्ट्री कभी घाटे में नहीं जाएगी आपकी फैक्ट्री के और आपके अपने घर के खर्च प्रॉपर तरीके से निकलते रहेंगे ये काम करने से मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताता रहता हूं। और कोशिश करता हूं कि अपनी हर एक वीडियो में वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जरूर दू मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है कि सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अपनी फैक्ट्री को सही कर सकते हैं और आप अपनी नई फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल है इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं और वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो उसे मंगवा सकते हैं हमारी यह है पुस्तक सिंपल सरल भाषा में लिखी गई है जिसे आप पढ़कर समझ कर अपने यहाँ छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें इसी तरह अगले प्रोग्राम में मैं आपको फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बारे में जानकारी दूंगा कि उसके अंदर सेटअप आपने किस प्रकार से करना है तब तक के लिए नमस्कार